हर हर महादेव। नमस्कार, कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, स्वास्थ्य महान चीज है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य सही है तो दुनिया में सब कुछ है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में होलिका दहन पर तरह तरह के टोटका प्रयोग किए जाते हैं और यह होलिका दहन महापर्व के रूप में मनाया जाता है। और होलिका दहन में एक नहीं अनेकों तरह के उपाय किए जाते हैं और यह उपाय पावरफुल होते हैं बिना पूजा पाठ के। तो मित्रों, आज हम होली के दिन यह उपाय किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों खूब धन आवे और जो काम करूं भरपूर सफलता मिले, तो आप कर सकते हैं। मित्रों मित्रों, यह एक ऐसा उपाय है कि जन्मों जन्मों की गरीबी, जन्मों की तंगहाली, दुर्भाग्य दूर भाग जाते हैं। साथियों, इस शरीर में कई तरह के हवाएं प्रवेश कर जाती है, बुरी शक्तियों का छाया हो जाता है, अला बला की छाया हो जाती है, जिसके कारण से लाख प्रयत्न करने पर भी आगे आदमी नहीं बढ़ पाता है, धनवान नहीं बन पाता है। और आज जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर आप कर लेते हैं तो इन सभी बाधाओं से छुटकारा और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप करके देखें, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लें। तो मित्रों, अब ध्यान से सुने। होली का दहन के दिन पीली सरसों ले लें और उसको पानी के सहारे बारीक पीस कर लेप जैसा बना ले, जिसको उबटन बोलते हैं, अपटन भी बोलते, उबटन भी बोलते। मित्रों, पहले के लोग बहुत उबटन लगाते थे, अब आजकल के लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस उबटन का बहुत महत्व है। तो आप पानी के सहारे उबटन को पीस लें। अगर घर पर मिक्सिंग है पीसने वाला, आजकल घर घर है, उसको अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें नमक का भी मात्रा है, मसाला का भी मात्रा है, इसलिए उसको धो धा के अच्छी तरह साफ करके तब जो है थोड़ा सा पीली सरसों लेकर उसमें डाल दें और पानी के सहारे उसको ऐसा मिक्स करें कि वह लेप बन जाए, बिल्कुल लेप जैसा बन जाए। अब उस लेप में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के पूरा मिक्स करके ढीला बना लें और उस उबटन को, अब इसको उबटन बोलेंगे, लेकर शरीर में एक एक अंग को बारी बारी से लगाकर खूब अच्छी तरह से इसको मालिश करिए, पूरे शरीर का मालिश करिए और जो मैल गिरता है उबटन का उसे इकट्ठा करें, ऐसे जगह बैठ कर करें कि ताकि वह इकट्ठा कर सके। इस तरह पूरे शरीर पर उबटन लगाकर उस मैल को इकट्ठा करें और एक लाल कपड़े में उस मैल को बांधकर सुरक्षित रख लें। और जब होलिका दहन हो, होलिका जलाई जाए, तो इस मैल का जो पोटली बनाकर रखे हैं उसको उसमें लाकर डाल दीजिए, वो जलकर स्वाहा हो जाए।
तो मित्रों इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो एक तो सबसे पहला नंबर आपकी शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी, और जो आपके जीवन में दुर्भाग्य, गरीबी, तंगहाली आपको तंग करके रखा था वह दूर भाग जाता है। उसी दिन से आपका शरीर पवित्र हो जाता है और दूसरे दिन से ही आप देखेंगे आपका काम कार्य, धन रुपये पैसे आने में परिवर्तन दिखेगा और आपका शरीर हंसमुख हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा, सोचने का समझने का शक्ति भी बढ़ जाती है। तो मित्रों आजकल के लोग यह उपटन का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले वाले लोग जो हमारे उम्र के हैं ये वो लोग जानते हैं उपटन का महत्व। लोग लगाया करते थे अपने भाग्य को चमकाने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, और आजकल भी कुछ लोग करते हैं। तो अगर अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो इस उपटन को लगाइए होलिका दहन के दिन, और अपने बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर उपटन नहीं बनाना आता है तो किसी बुजुर्ग महिला से पूछ लें, क्योंकि यह शादी विवाह में उपटन का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आप इसे करके अपने दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। ऐसा यह महा उपाय है मित्रों। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।